कर्नाटक में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस को घेरा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में आज सिद्धारमैया ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वहीं डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कांग्रेस में नए मुख्यमंत्री को लेकर कई दिनों तक चली उठापटक के बीच सिद्धारमैया का नाम फाइनल हुआ था। वहीं डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद के लिए बनाया गया। इस बीच डीके शिवकुमार को सीएम नहीं बनाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस को घेरा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया, लेकिन दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया है। अपने दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा, कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित और मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, यह इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इनको यह वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं, ये लोग सतर्क रहे। आपको बता दें कि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कांटी रावा स्टेडियम में चल रहे समारोह में सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। सीएम के रूप में सिद्धारमैया का यह दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने इस पद को 2013 और 18 के बीच संभाला था। सिद्धारमैया ने जहां भगवान के नाम पर 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वहीं शिवकुमार ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री गंगाधर अज्जा के नाम पर शपथ ली। मंत्री के रूप में जी परमेश्वर ने संविधान के नाम पर शपथ ली। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता के एच मुनियप्पा और के जे जॉर्ज ने भगवान के नाम पर शपथ ली है।